हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। आज हम करने वाले हैं सामाजिक शिक्षण की कुछ प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए। अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ किससे करना चाहिए? छात्रों का हालचाल पूछकर, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, नए पाठ की घोषणा कर या नए पाठ के विषय वस्तु से प्रश्न पूछकर। अब ये क्वेश्चन जो है, आप लोगों ने जब बीएड किया था तब आपने लेसन प्लान जो है वो तैयार किया था, ठीक है, पाठ योजना आपने बनाई थी। तो सबसे पहले जब आप क्लास में एंट्री करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? तो यहाँ आंसर क्या होगा? पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, यही तो आप करते थे, तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है। क्यों है आवश्यक ग्लोब का? दिन रात का प्रत्यय समझाने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने हेतु, स्थल जल का अनुपात बताने के लिए या उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और आप लोग भी ज्योग्राफी सर से पढ़ रहे हैं, तो वहां सर ने ग्लोब के बारे में जब बताया था उसमें आपको दिन रात का भी बताया था, पृथ्वी का जो आकार है उसके बारे में भी बताया था और स्थल जल का अनुपात जो है वह भी समझाया था। इसका मतलब यह है कि ग्लोब का उपयोग हम इन तीनों जो भी ऑप्शन में लिखे हुए हैं इसके लिए उपयोगी होता है। सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय, इसका अर्थ क्या है? जो हम जनरल नॉलेज देते हैं, जीके के जो क्वेश्चन होते हैं उससे संबंधित बात यहाँ पर आ रही है। तो कैसे दे सकते हैं हम यह ज्ञान? वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा, दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि जब हम जीके की बात करते हैं तो हम उसके लिए वाद विवाद कॉम्पिटिशन रखते हैं, हम प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी रखते हैं और दैनिक समाचार का जो विश्लेषण स्कूल में किया जाता है, विद्यालय में किया जाता है, तो उसका जो रीजन है वो यही होता है। क्या होता है? कि समसामयिक विषय का ज्ञान देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर। देखिए, कुछ बच्चों को क्वेश्चन जो है वो अटपटे लग सकते हैं, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आए हुए ही हैं, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस जो है वो इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर अपने तरीके से देंगे, लेकिन आपको अपना माइंड जो है इस तरीके से प्रिपेयर रखना है कि कैसा भी क्वेश्चन आए हमें उसका आंसर जो है वो खोज लेना है। बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है, अर्थशास्त्र को, इतिहास को, राजनीति विज्ञान को या भूगोल को। तो बाल संसद, जो बाल सभाएं होती हैं, तो वहां पर हम इस तरीके से प्रतियोगिता करवाते हैं, कार्य करवाते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो नेता बनते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो सैनिक बनते हैं। तो यह व्यवहारिक ज्ञान जो है वो किसके लिए तैयार करता है बच्चों को? राजनीतिक विज्ञान के लिए, ठीक है, क्योंकि हम देखकर ही बोलते हैं ये बच्चा तो क्या बनेगा, ये बच्चा तो नेता बनेगा, ये बच्चा क्या बनेगा, ये बच्चा तो कहीं पर सैनिक बनेगा। तो इस तरीके का ज्ञान जो है वो राजनीतिक विज्ञान के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फाइव, सामाजिक विज्ञान के किस उपविषय में विभिन्न देशों के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है? अब सामाजिक विज्ञान के अंदर जो आपके उपविषय हैं, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, तो उसमें विभिन्न देशों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में किया जाता है, राजनीतिक विज्ञान में किया जाता है, इतिहास में किया जाता है या भूगोल में किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, इसका आंसर जो है वो राजनीतिक विज्ञान ही होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के किस उपविषय में स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है? अब जो आपके चार उपविषय हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, तो वहां स्रोत विधि का प्रयोग हम किस में करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं, इतिहास में करते हैं, भूगोल में करते हैं या राजनीतिक विज्ञान में करते हैं? तो हमें पता है जब हमने चैप्टर ही पढ़ा था हमारा अतीत, ठीक है, तो कुछ स्रोत होते हैं जो कि कहाँ यूज किए जाते हैं? इतिहास में, ठीक है, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है? दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री है या इनमें से कोई नहीं? तो समाचार पत्र जो है वह एक दृश्य सामग्री है। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है, कौन तैयार करता है? एनसीईआरटी,
एनसीटीई, न्यूपा या मानव संसाधन विकास मंत्रालय? तो इसे तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर जो स्कूल होते हैं वहां पर जो भी पाठ्यक्रम होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है ज्ञानात्मक विकास करना, भावात्मक विकास करना, सृजनात्मक विकास करना या ये सभी? तो हमें पता है कि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य होता है हमारा ज्ञानात्मक, भावात्मक और सृजनात्मक विकास करना। नेक्स्ट है इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अब इकाई परीक्षा क्या होती है यानी यूनिट टेस्ट। जो यूनिट टेस्ट होते हैं स्कूल में तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं। अगली इकाई को पढ़ना, छात्रों को हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रखना या छात्रों को अनुशासित करना। अब हमने इतने सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लिए हैं और हमें यह पता चल गया है कि जब भी हम कोई एग्जाम लेते हैं तो उसका उद्देश्य होता है केवल और केवल उससे संबंधित जानकारी लेना कि बच्चों ने उस चीज को समझा है या नहीं। ठीक है, ये होता है परीक्षा का उद्देश्य। लेकिन यहीं पर आ जाता मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का उद्देश्य कभी भी परीक्षा नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को भी आपको समझना होगा। सामाजिक विज्ञान अध्ययन करता है समाजों का, मतलब समाज का, व्यक्तियों का, सरकारों का या दर्शनों का। तो सामाजिक विज्ञान जो है वह समाज का अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों में प्रमुख है परिवर्तित होते रहना, बहुत जटिल होना, अस्तित्वहीन होना या स्थानिक होना। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयां, तो कौन कौन सी कठिनाई आएंगी? परिवर्तित होते रहना, बहुत जटिल होना, अस्तित्वहीन होना या स्थानिक होना। तो इसका आंसर जो क्या होगा कि परिवर्तित होते रहना। ठीक है, तो ये आपके ऊपर भी ये क्वेश्चन लागू होता है। कैसे? क्योंकि जो भी पॉलिटी में जो भी नई चीजें ऐड हो जाती हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में कुछ नया ऐड हो जाता है तो हमें पढ़ने में परेशानी आती है। और ये रियलिटी है क्योंकि हर बार हमें नई चीजें जो याद करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है एक बच्चे की शिक्षा का स्थान है स्कूल, समाज और घर, तीनों। केवल स्कूल, केवल समाज या घर। तो जो बच्चे की शिक्षा है वो स्कूल से भी मिलती है, समाज से तो मिलती है और घर, तीनों से ही मिलती है। नेक्स्ट है एक शिक्षक को निम्न गुणों को अपनाना चाहिए, अभिनय को, अधिगम को, संवाद कला या विभिन्न भूमिका निभाने वाला। यानी एक शिक्षक को कौन से गुण को अपनाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? रोल प्ले। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? यह बच्चों को रचनात्मक बनाता है, बिल्कुल बनाता है। बच्चों के लिए एक कार्यकलाप के रूप में होता है। करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। यह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। अब प्रोजेक्ट वर्क जो है वो बच्चों को दिया जाता है तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर जो है वो क्या होगा? इसका आंसर जो है करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ए और बी ये दोनों भी सही हैं। ठीक है, यह बच्चों को रचनात्मक बनाता है। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो रचनात्मक बनाता है। प्रोजेक्ट वर्क बच्चों के लिए कार्यकलाप के रूप में होता है, वह एक कार्य होता है, प्रोजेक्ट होता है। और यह करके सीखना या सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? महत्वपूर्ण होता है क्योंकि। तो ये जो ए और बी हैं ये दोनों ही आपके थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन में समाहित हैं। तो इस तरीके का प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है? ऐसा आंसर चुनना है जिसमें और ऑप्शन जो है वो समाहित होते हैं, वही सही उत्तर होता है। कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए गहन, एक पक्षीय, पारस्परिक क्रिया द्वारा या सरल।
कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए, गहन होना चाहिए, एक पक्षीय होना चाहिए, भी तो आप काट दो, बिल्कुल एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, हमें तो सारी चीजों को लेके चलना होता है। सी ऑप्शन है पारस्परिक क्रिया द्वारा होना चाहिए, यहाँ पर सारे बच्चे मिलकर कार्य करेंगे और सरल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पारस्परिक क्रिया द्वारा होना चाहिए। कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है, कौन सी शिक्षण विधि जो है वह करके सीखने का अवसर प्रदान करती है, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि या ये सभी। तो करके सीखना जो है वह केवल और केवल प्रोजेक्ट वर्क में ही आता है, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क में ही आता है। कहानी विधि में तो हम कहानी कह देते हैं, तो यहाँ पर तो हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, बोलने वाला कहानी बोल रहा होता है और सुनने वाला सुन रहा होता है। व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड जो है वो टीचर जो है वो अपना लेक्चर देता है और बच्चे जो है वह कैसे निष्क्रिय होकर सुन रहे होते हैं। लेकिन योजना विधि प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, जिसमें करके सीखा जाता है, बच्चों को कार्य दिया जाता है और बच्चे क्या करते हैं उस प्रोजेक्ट को करते हैं पूरा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञानों की शिक्षण तकनीकों में शामिल किया जा सकता है, वार्तालाप गतिविधि, लेक्चर्स, प्रोजेक्ट या ये सभी। तो सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण तकनीक है इसमें शामिल किया जा सकता है वार्तालाप भी किया जा सकता है, लेक्चर्स भी किया जाता है, प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है और ये सभी। अब देखिए इस क्वेश्चन में ही यदि यहाँ पर ये सभी ना आकर एक अन्य शिक्षण तकनीक और आती तो हम जो सही उत्तर है वह क्या लेते, हम लेते वार्तालाप गतिविधि, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट होती। लेकिन यहाँ पर ये सभी आया हुआ है और ए ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हैं, तो इसीलिए हमें लेक्चर मेथड जो है वह भी शामिल करना होगा, क्योंकि यदि हम ए ऑप्शन चुनते हैं वार्तालाप गतिविधि तो सी ऑप्शन जो है वह भी सही है, इसीलिए हमें तीनों ऑप्शन जो है वह लेने होंगे। तो यहाँ पर आंसर जो है वो डी होगा। सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाजों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, कक्षीय चर्चा, परियोजना पद्धति या व्याख्यान पद्धति। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्य और आवाजों से, तो कौन सी होगी प्रभावी वह टेक्निक, तो वो होगी क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण विधि। आज का अंतिम प्रश्न है, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए व्याख्यान पद्धति, परियोजना उन्मुखी, चर्चा उन्मुखी या मुक्त अंत। सांस्कृतिक, सामाजिक व वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ जो उपागम है तो वो होगा चर्चा उन्मुखी, ठीक है। कोई भी प्रश्न आप करते हो यदि उसमें उलझते हो तो उसे आप तोड़ कर पढ़िए, ठीक है, उसे तोड़ कर पढ़ने से वह प्रश्न जो है वो इजी हो जाता है। तो इस तरीके से आज हमने 20 प्रश्न किए हैं, ये तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।